दोस्तों मेरा नाम आदिल है, आपसे निवेदन है कि आप लोग ये वीडियो आखिर तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि एजेंडा क्या है वीडियो का। रोहित सरदाना हरियाणा में पैदा हुए। रोहित सरदाना का अगर आप ट्विटर अकाउंट देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे रोहित सरदाना जैसे कोई ट्विटर ट्रोल है जो लिख रहा है बीजेपी के लिए, ऐसा लग रहा है। और रोहित सरदाना की जो एजुकेशन है वो हुई है इस स्कूल से, इसका नाम है गीता निकेतन आवासीय विद्यालय। अब ये स्कूल को शुरू किसने किया था? ये स्कूल को शुरू करने वाले का नाम है एम एस गोलवलकर। कौन है एम एस गोलवलकर? है आरएसएस के सेकंड संचालक। इनकी एक बुक है बंच ऑफ थॉट्स, इन्होंने ये बुक के अंदर लिखा हुआ है कि मुस्लिम्स को इस देश में वोटिंग का राइट्स नहीं होना चाहिए, मुस्लिम्स को इस देश से निकाल देना चाहिए, मुस्लिम और क्रिश्चियन जो भी मतलब नॉन हिंदूज हैं उनको यहाँ पे सब सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखना चाहिए। ये इनकी थॉट प्रोसेस थी। इनकी स्कूल से रोहित सरदाना ने अपनी एजुकेशन पूरी की है। और अगर आप इनकी भी थॉट प्रोसेस देखोगे रोहित सरदाना की, बहुत नीचे लेवल की, बिलो द बेल्ट बात करते हैं अपने चैनल के ऊपर, वन साइड एंटी अपोजिशन, प्रो बीजेपी, प्रो आरएसएस का इनका स्टैंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो कोई एक बच्चा है वो आईएसआईएस की स्कूल से पढ़ता है, आईएसआईएस जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरएसएस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पर आईएसआईएस अगर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनकी कोई स्कूल है वहाँ से कोई बच्चा पढ़े तो वो क्या सीखेगा निकलेगा? वो वही सीख के निकलेगा जो वो रोज़ करते हैं कि भाई हाँ मतलब सारे क्रिश्चियन मुसलमान के खिलाफ है और ब्लास्ट करना चाहिए, सुसाइड बॉम्बर बनना चाहिए, वही सब सीखेगा। उसी तरह आरएसएस की विचारधारा रोहित सरदाना लेके अपने चैनल के ऊपर ये सारी चीज़ें चलाते हैं। तो आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है, पहला तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से हम मेरी बात को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, लोगों को पता चलना चाहिए। बिट्स एंड पीसेस में लोगों को पता है कि मीडिया किस तरह बिका हुआ है, लेकिन मीडिया सिर्फ पैसे के लिए बिका ऐसा ज़रूरी नहीं है। वही मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए वीडियो मैंने बनाया था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।